तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। और आज इस वीडियो के अंदर आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वर्डप्रेस के कुछ बेसिक सेटिंग्स और इसके मतलब ओवरव्यू। तो जिन लोगों को नहीं पता कि वर्डप्रेस क्या है, तो वर्डप्रेस एक ऑनलाइन CMS प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप बिना कोई कोडिंग जाने या फिर कोई खास नॉलेज के अपना खुद का वेबसाइट ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको और एक बात बता दूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपली वीडियो के नीचे लाल बटन को क्लिक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए तो फिर हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम जिस कंपनी को यूज़ करके ये ट्यूटोरियल बन गए वो है होस्टिंगर। आप होस्टिंगर से अपना प्रीमियम डोमेन होस्टिंग ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं आपको प्रोमो कोड दे दूँगा। और अगर आपके पास बजट नहीं है कि कोई प्रीमियम होस्टिंग एंड डोमेन अफोर्ड करने का, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने बताया है कैसे आप लोग फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग गेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं होस्टिंगर में लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा पहले से अकाउंट है एंड डोमेन एंड होस्टिंग भी परचेस किया हुआ है। तो ये आ गया मेरा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं मेरा होस्टिंग एंड डोमेन यहाँ पे शो कर रहा है जो भी मेरे होस्टिंगर पे है। तो मैं मेरे होस्टिंगर में मैनेज पे क्लिक करता हूँ एंड जहाँ से भी आपने डोमेन होस्टिंग लिया हो उसमें भी आपको ऐसा कुछ डैशबोर्ड मिल ही जाएगा। उसके अंदर आपको एक सेक्शन ढूंढना है, जैसे कि ये हो गया मेरा ऑटो इंस्टॉलर करके वो होस्टिंगर में मिलता है। बाकी में भी ऐप इंस्टॉलर या फिर इंस्टॉलर करके कुछ सेक्शन मिलता है, तो उसके अंदर आपको चले जाना है। एंड इसके अंदर देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन दिए हुए हैं जिसमें से पहला है वर्डप्रेस, मोस्ट पॉपुलर भी शो कर रहा है। तो वर्डप्रेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहला वाला सेक्शन जो आपको मिल जाता है यहाँ पे HTTP या HTTPS, मेरे पास SSL सर्टिफिकेट है तो मैं ये HTTPS सिलेक्ट करूँगा। अगर आपको जानना है कि SSL कैसे लेते हैं तो उसके भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना दूँगा। एंटर सब डायरेक्ट्री, अगर आप डायरेक्ट डोमेन पे इंस्टॉल करना चाहते हैं जैसे कि मेरा nandoridas.in, तो आपको सब डायरेक्ट्री पे कुछ भी नहीं देना है। लेकिन इस पे मेरा पहले से वर्डप्रेस लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे सिंपली कुछ भी लिख देता हूँ कि जिस पे जिस सब डायरेक्ट्री पे मेरा ये इंस्टॉल होगा ट्यूटोरियल साइट, मतलब मेरा अभी वेबसाइट अभी nandoridas.in/ट्यूटोरियल साइट पे इंस्टॉल होगा। तो यूज़र नेम मैं देता हूँ एडमिन, एडमिन पासवर्ड भी मैं देता हूँ, ये दे दिया मैंने ट्यूटोरियल साइट। ईमेल भी आपको देना है कुछ, वेबसाइट का टाइटल भी मैं सेम वही डाल दूँगा ट्यूटोरियल साइट। और डाटाबेस का पासवर्ड देख सकते हैं पहले से कुछ आया हुआ है, मैं उसे एम्प्टी कर देता हूँ ताकि ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद नीचे भी कुछ सेटिंग्स है, मैं जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसके साथ यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इंस्टॉल। और कुछ पासवर्ड का कुछ सिक्योरिटी इशू दे रहा है तो मैं काम करता हूँ ऑटो जनरेट दे देता हूँ मैं, एंड जो भी ऑटो जनरेटेड पासवर्ड आए उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपल बस, उसके बाद इंस्टॉल। तो अभी देख सकते हैं मेरा ये इंस्टॉलेशन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और भी कुछ लोडिंग आ रहा है। हाँ, अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ यहाँ पे सेटिंग्स है तो आपको इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली एडिट वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं एंड ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको आपका वेबसाइट के बैकएंड में। तो मेरा बैकएंड अभी ओपन हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे से वर्डप्रेस बैकएंड ओपन हो चुका है। और ये देख सकते हैं मेरा वेबसाइट, इसको मैं अगर विजिट साइट पे ओपन करता हूँ न्यू टैब पे, तो देख सकते हैं ये अभी मेरा कुछ बाय डिफॉल्ट वेबसाइट दिख रहा है। इसको कैसे कस्टमाइज़ करना है पूरा मैं आपको बता दूंगा वन बाय वन। सिंपली ये हो गया हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। तो इसमें देख सकते हैं डैशबोर्ड का सेक्शन है होम, अपडेट्स, पोस्ट्स, इसमें से जाके आपको पोस्ट लिख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पहले से हमारा एक बाय डिफॉल्ट पोस्ट दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड करके, तो इसको आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आपको ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक। देख सकते हैं न्यू पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पे से खोल चुका है। यहाँ पे आपको टाइटल देना है एंड नीचे आप कुछ भी लिख सकते हैं। पूरा डिटेल में कैसे पोस्ट को क्रिएट करना है उसके बारे में मैं पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये बस एक ओवरव्यू वीडियो है इसमें, इसलिए मैं शॉर्ट में जो भी है यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे से आपको टाइटल देना है, आपको यहाँ पे से लिखना है, उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे से पब्लिश पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको और भी सेक्शन मिल जाता है जैसे कि मीडिया का सेक्शन, इसमें आपको जो भी वेबसाइट का इमेजेस एंड वीडियो है वो आप मीडिया लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप अपलोड कर सकते हैं।
एड न्यू पे क्लिक करके, उसके बाद का सेक्शन मिल जाता है आपको पेजेस, मतलब जो भी वेबसाइट में आपका पेजेस होता है, जैसे कि एक वेबसाइट में किया गया पेजेस होते हैं, अबाउट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, वो सब आप देख सकते हैं। सैम्पल पेज तो क्रिएट किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ से न्यू एड न्यू पे क्लिक करके अपना न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कॉमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा आपको कॉमेंट्स देखने के लिए। अपीयरेंस पे जाके आप थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते हैं। प्लगइन्स, हाँ प्लगइन्स वर्डप्रेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब जो भी छोटे मोटे टास्क या फिर फीचर आप कह सकते हैं आपको वेबसाइट में क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको वर्डप्रेस में कोडिंग नहीं करना पड़ता है। आप सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करके एक फंक्शन के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पे पहले से बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, तो हम जब एक डिटेल वीडियो बनाएंगे किसी पर्टिकुलर साइट को क्रिएट करने की, तब हम इन पर बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि प्लगइन्स किस लिए है। उसके बाद यूज़र्स का मिल जाता है, टूल्स का, उसके बाद सेटिंग्स का टैब भी हम एक बार देख लेंगे। तो सेटिंग्स पे देख सकते हैं, सबसे पहले जनरल में आपको मिल जाता है साइट टाइटल, टैगलाइन और ये सब कुछ बेसिक टाइम फॉर्मेट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। राइटिंग में हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको मेल सर्वर वगैरह कुछ ये सब समझने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कोई डिटेल्ड वेबसाइट बनाएंगे तब हम देखेंगे ये सब सेटिंग्स के बारे में। रीडिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका होम पेज क्या शो कराएगी, वो लेटेस्ट पोस्ट या फिर आपको स्टैटिक पेज भी शो करवा सकते हैं, डिस्कशन का पेज, हाँ हर कुछ सेटिंग्स मिल जाता है। और एक इम्पोर्टेंट सेटिंग्स यहाँ पे है, ये हो गया आपको परमानेंट लिंक्स पे जाना है आपको। बाय डिफॉल्ट कुछ कस्टम स्ट्रक्चर ही होता है जो कि बहुत ही भद्दा सा दिखता है, एसईओ के लिए भी अच्छा नहीं है, तो आपको इसे सिलेक्ट कर देना है पोस्ट नेम पे एंड सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। और इतना करने के बाद आप सिंपली प्राइवेसी पे जाके अपना प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो भी क्रिएट किया है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करके यूज़ दिस पेज पे क्लिक कर सकते हैं। और अब बस वर्डप्रेस के बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं, सिंपली आप पोस्ट में जाके अपना पोस्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक फुल फ्लैश्ड वेबसाइट बना सकते हैं एडमोब से अर्निंग करने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, होप दैट कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स कर सकते हैं, और पोस्टिंग लेना है तो पोस्टिंग घर से जा सकते हैं, आपको प्रोमो कोड मिल जाएगा, नहीं तो आप फ्री होस्टिंग भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।